चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी का 5 लिए थे उसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का एग्जांपल 15 भी है, एकदम हूबहू वही पैटर्न है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि उस समय यूज किया जा रहा था कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब यूज करना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सोचिए हम क्या बोलते थे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को साइन कोस में बदलिए, तो ये बदला हुआ है। जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो साइन कॉस में बदलो, एलसीएम एलसीएम लो, काम करो, तो सारा काम किया जा चुका है, साइन कॉस में बदला चुका है, एलसीएम एलसीएम लिया जा चुका है, तो अब क्या करें। तो अब ऑप्शन बचता है रेशनलाइजेशन का। एक बार जरूर सोचो कि रेशनलाइजेशन हो पाएगा क्या। तो रेशनलाइजेशन करने से पहले तुम्हें ये बोला है कि इसका यूज करो। अब क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा यूज करने के लिए इस साइन कॉस को हमें सेक में कन्वर्ट करना होगा और टेन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखते हैं सेक थीटा एक्चुअली होता क्या है। तो आपको नजर आएगा कि सेक थीटा तो 1/cos थीटा होता है और टेन थीटा तो हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। अब ये दोनों से हिंट लेंगे कि सेक थीटा भी लाना है तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए और टेन थीटा भी लाना है तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए। मतलब कॉमन चीज चमक रहा है कि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि LHS को तो एक बार प्रोसीड कर लेंगे, मतलब कि LHS को हम लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, उसके बाद लिखेंगे डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, क्योंकि वहाँ से हिंट मिल रहा है। अब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आप पूरा में डिवाइड लिखने की बजाय बारी बारी से कर लो, मतलब ऐसे कर लो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सॉरी कॉस थीटा से नहीं डिवाइड कर रहे थे तो कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा, फिर नीचे भी डिवाइड करिए तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बराबर यहाँ पड़ेगा, फिर प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा कि अब साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा डिवाइडेड बाई ये सॉरी अभी ऊपर ही लिखिए माइनस कॉस बाई कॉस 1 ये प्लस 1/cos sec थीटा। तो अब दिख रहा है sec और टेन में, फिर साइन बाई कॉस ये भी 10, फिर प्लस ये 1 और ये माइनस sec थीटा। अब हम क्या बोले थे कि सबसे पहले इस 1 को एडजस्ट करके यहाँ लाइए और इस प्लस को माइनस करके ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए, यानी कि ऊपर तो ठीक है 10 थीटा tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, लेकिन नीचे को क्या कर दीजिए, इस प्लस 1 को इधर भेज दीजिए। वैसे आप यहाँ से भी रेशनलाइज करोगे तो आएगा ही, लेकिन 1 से रेशनलाइज करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है नहीं, तो इसको कर लेते हैं हम लोग। आप करके देखना, इससे भी रेशनलाइज आ जाएगा वैसे तो। 10 थीटा और माइनस sec थीटा, क्योंकि हमको आदत यही है करने का तो इसलिए हम ऐसे ही करते हैं, प्लस 1। ठीक है, अब क्या बोले थे, ये प्लस 1 आ जाने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करिए, इस प्लस को रेशनलाइज करना है मतलब माइनस करना है, यानी कि टेन थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1 की जगह पे माइनस 1, तो इससे मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जी, उसी से, ताकि वो बैलेंस रहे, है ना। तो टेन थीटा माइनस sec थीटा और ये प्लस की जगह पे माइनस 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर जरा देखिए कि क्या हम लोग टेन थीटा माइनस वन को एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मन में सोचेंगे कि वो एक साथ है ना,
टेन थीटा माइनस वन एक साथ कर लिया और माइनस एक थीटा बाद में लिख दिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये ए है प्लस बी है, ये ए सेम सेम है ना, टेन थीटा माइनस एक थीटा, टेन थीटा माइनस एक थीटा तो ए है, तो ये माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब टेन थीटा माइनस एक थीटा पूरा ए है, तो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर और माइनस वन स्क्वायर। अब यहाँ पे ए माइनस, यहाँ से यहाँ तक आप ए मान लीजिए, तो ये भी ए होगा, ये माइनस बी होगा और ये प्लस बी होगा, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टेन थीटा माइनस वन का स्क्वायर ये ए स्क्वायर हुआ और माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दीजिए अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा और माइनस वन का स्क्वायर तो माइनस वन ही होगा, ठीक है। चलिए अब ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर को फिर अगेन ब्रेक कीजिए, तो अब हमारे पास जगह वहाँ नहीं है तो हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम इस तरह से दो क्वेश्चन इसलिए ले लिए ताकि आपका हाथ बैठ जाए, पैटर्न दिमाग में बैठ जाए कि इसी तरह से आगे प्रोसीड करना है तो हम अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू टेन थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा पहले से है, डिवाइडेड बाई, अब जो फार्मूला यूज करना था हमें वो यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला। तो हम कह सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस वन एक साथ अगर लिखा होता, और एक साथ है भी क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन में है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाता, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो एक तो पहले से टेन स्क्वायर थीटा था और प्लस अगेन टेन स्क्वायर थीटा और बचा कौन, तो टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस में, ठीक है। चलिए अब ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो ऊपर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट यूज होगा, देखिए यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये तो और ये कट जाएगा, तो माइनस टू टेन थीटा, और डिनोमिनेटर से आप टू टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं, जैसे उसमें टू कॉट थीटा कॉमन लिए थे, तो ये बचेगा टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा कॉमन तो सेक थीटा है कि नहीं। अब ये टेन से टेन करता हूँ, टू से टू खत्म, ये माइनस को हम नीचे भेजेंगे तो ये फ्लिप कर जाएगा, सेक हो जाएगा प्लस में और टेन हो जाएगा माइनस में, तो वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और शायद यही प्रूफ करना था आपको, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, हेंस प्रूफ। अब सुनो इसमें एक क्वेश्चन और क्या दे सकता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहे हैं, ये तो हम प्रूफ कर दिए, इसी में थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देता तो तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए भी दे सकता था, देखना क्या, तुम्हें कह देता कि ये, बल्कि ना प्रूफ करके आप प्रूफ करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इस स्टेप के बाद आप क्या करते, रेशनलाइज, रेशनलाइज का मतलब कि वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या करते, ऊपर नीचे ये लाना था तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो उससे फ़ायदा क्या होता कि ऊपर तो आ जाता तुम्हारा रिजल्ट जो लाना था, लेकिन नीचे बन जाता ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तुमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, वन, तो इस तरह से रिजल्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी प्रूफ हो जाता है, तो ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही प्रोसीड करते हैं,
तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सीख रहे हैं हम, वो इम्पोर्टेंट बात तुम्हें अगर क्लिक कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम नोट करके तुम्हें लिखवा देते हैं कि टेन थीटा मतलब ये कि वन बाई अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा रहे तो हम इसे न्यूमरेटर में डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और वाई से वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ होता तो इसको हम उधर भी भेज देते, ठीक है, और ये होता है तो इसे याद भी रखोगे, और वो इसलिए होता है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, और जब ये वन होगा तो ज़रा सोचो कि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम तोड़ सकते हैं, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी, और ए माइनस बी हो जाता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। तब तुम सोचो कि अगर हमको ये पाना है तो उसको उधर भेज देंगे, तो इसका मतलब कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या आ जाता है, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल की तरह तो होगा ही, बस बीच में क्या करना है कि अगर रेसिप्रोकल में माइनस है तो न्यूमरेटर में लिखते समय प्लस, और सोचो कि इसी को हम उधर भेज देते तो ये प्लस में इधर गया होता, ये माइनस में बचता, इसका मतलब कि इधर माइनस में रहे तो प्लस में हो जाएगा, माने कि बीच में अगर प्लस है न्यूमरेटर में तो एलएचएस में जब लाएंगे उसको या फिर कन्वर्ट करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा। इस चीज़ को कहीं नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियोज़ में अगला क्वेश्चन देखते हैं।